और आइए अब रुख कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए चार चरण का मतदान पूरा हो चुका है और बाकी के तीन चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है, उसकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ेगी। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वार्थ और सिर्फ अपने हित के लिए समर्पित इन महामिलावटियों की मंशा को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि चार चरणों के चुनाव के बाद विपक्षी दल चारों खाने चित्त हो चुके हैं। बिहार में पांचवें चरण में 6 मई को 5 सीटों पर मतदान होना है और इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर सीटें शामिल हैं। चार चरणों के चुनाव के बाद ये लोग चारों खाने चित्त हो चुके हैं। अब अगले चरणों में तय होना है कि इनकी हार कितनी बड़ी होगी और एनडीए की जीत कितनी भव्य होगी। जब हर बूथ पर बीजेपी एनडीए कार्यकर्ता मजबूती से डटे हुए हो, जब लोग खुद घरों से बाहर निकलकर अपने इस सेवक का प्रचार कर रहे हो, एनडीए की विजय निश्चित देखकर भी जब हर व्यक्ति उस विजय में अपना योगदान देने के लिए बेताब हो, तो समझ सकते हैं कि हवा का रुख किधर है। और बिहार के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। वो बहराइच और बाराबंकी में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मेरे सहयोगी नवविक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। नवविक्रम, क्या कुछ तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के रैली को लेकर, जनसभा को आज वो संबोधित करेंगे, क्या उम्मीद की जाए कि बड़ा हमला बोलेंगे गठबंधन पर, कांग्रेस पर? बिल्कुल अभिलाषा, जो उत्तर प्रदेश में लगातार रैलियां होनी हैं, प्रधानमंत्री आज की रैलियों के बाद अयोध्या भी जाएंगे, ऐसी खबर है। देखिए, जिस चरण में अभी चुनाव हो रहा है, पांचवें चरण में, वहाँ जैसा कि कांग्रेस का जो पारंपरिक समर्थक है बाकी चरणों की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा है। अमेठी और रायबरेली में यहाँ पर चुनाव होना है, साथ ही कई और सीटों पर चुनाव होना है। तो ऐसे में जो कांग्रेस है वो अपने पारंपरिक जो वोट बैंक है उसे साधने के साथ ही जो और दूसरी सीटें हैं, क्योंकि 2009 में करीब 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी यहाँ पर, और सीटें जीतने की कोशिश करेगी। वहीं सपा बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है, क्योंकि दोनों का जो सम्मिलित वोट शेयर था 2014 में अभिलाषा, वो बीजेपी से ज़्यादा था। तो बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार सभाएं, साथ ही पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने यहाँ पर खास तौर पर रणनीति तैयार की है कि जो वोट शेयर है सपा गठबंधन का जो वोट शेयर है वो उससे उस वोट शेयर से इस बार ज़्यादा करने की कोशिश है। इसीलिए प्रधानमंत्री और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर लगातार पांचवें चरण में कोशिश कर रहा है। साथ ही इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यहाँ जो आज यहाँ जो रैलियों में प्रधानमंत्री बयान देंगे या जो कहेंगे वो संदेश पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएगा जहाँ मतदान होना है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो सपा बसपा गठबंधन है और कांग्रेस है उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा। तो आज की जो रैली है पांचवें चरण के लिए वो बहुत अहम साबित होने वाली है। जी अभिलाषा, बिल्कुल। नवविक्रम, ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे तक पहुंचेंगे पीएम और किस तरह की तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है, क्योंकि हमने मेगा शो बनारस में देखा और ये जो इलाका है रायबरेली का, इसके बारे में आपने पहले ही कहा कि कांग्रेस को टक्कर देने की पूरी तैयारी है। तो ऐसे में किस तरह की भव्य तैयारी देखने को मिल रही है बीजेपी की ओर से?
अभिलाषा, जो बीजेपी की तरफ से लगातार हम लोग बीजेपी में लखनऊ कार्यालय पर नजर बनाई हुई थी, पूरी की पूरी एक टीम है जो प्रधानमंत्री की एक केंद्रीय स्तर पर तैयारी हो रही है, साथ ही यहाँ पर लखनऊ जो राज्य स्तर पर तैयारी, एक प्रधानमंत्री के लिए बाकायदा एक टीम यहाँ पर उनकी रैलियों के लिए निर्धारित है और वो रैलियों का कामकाज संभाल रही है। इसके अलावा जिला स्तर तक और ब्लॉक स्तर पर तक कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ से बात कहेंगे वो जन जन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। सबसे अहम बात आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से हम पिछले कई लंबे अरसे से देखते आए हैं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं, उनका कहना है कि सबसे पहले बूथ को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस पूरे इलाके में कि बीजेपी ने अपने संगठन को काफ़ी कुछ हद तक मजबूत किया है, जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली में एक तरह से कुछ 2014 से पहले तक बीजेपी के पास संगठन का अभाव था, एक मजबूत संगठन अमेठी रायबरेली आसपास के क्षेत्रों में नहीं था, वो आज हम देखते हैं 2019 के दौरान वहाँ पर एक बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। जी अभिलाषा, बिल्कुल ना विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह आपने बताया कि आज पूरी कोशिश होगी पीएम की कि इस पूरे इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में संगठन में जान फूंकने के लिए। इधर कांग्रेस बात कर ले हम बीजेपी के चुनाव प्रचार की, तो राजस्थान में अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है और दौसा में उनकी रैली हो रही है, रुक करते हैं। और आज सुबह तक 24 लाख 25 हजार लोगों के ऑपरेशन, गरीब लोगों के ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, राजस्थान के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। यहां पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी, वसुंधरा राजे सरकार ने राजस्थान को एक बीमारू राज्य से बाहर निकालकर एक विकसित राज्य बनाने का काम वसुंधरा राजे की सरकार ने। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने टीकमगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। जैसे ही न्याय योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 5 करोड़ बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए तक, जनवरी 6,000, फरवरी 6,000, मार्च 6,000, दिसंबर तक 6,000, अगली जनवरी 6,000, जैसे आपकी घड़ी चलती है वैसे न्याय योजना आपको पैसा देगी। वही लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। इससे पहले कल नामांकन का काम पूरा हो गया। सातवें और आखिरी चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीट पर 19 मई को मतदान होगा। सातवें चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज होगी और 2 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 19 मई को होना है, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। उन्नीस मई को सातवें चरण में 59 सीटों पर मतदान होगा। सातवें और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार और मध्य प्रदेश की 8-8 सीट, जबकि हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों पर और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान पूरा हो गया है और इस चरण में महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा 17 सीटों पर, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की 13-13, पश्चिम बंगाल में 8, मध्य प्रदेश और ओडिशा की 6-6, बिहार की 5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक चौथे चरण की 72 सीटों पर 64% से ज़्यादा मतदान हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहाँ इस चरण में चुनाव की शुरुआत हुई, वहीं महाराष्ट्र और उड़ीसा में चुनाव संपन्न हो गया। अब तक लोकसभा की 543 सीटों में से 373 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। पिछले चरणों की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा की खबरें आईं। इस दौर में पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा 81.11% मतदान हुआ। वहीं मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट पर 73.88% मतदान दर्ज किया गया।
बात करते हैं ओडिशा की, जहां 6 लोकसभा सीट पर 70.69% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और राजस्थान की बात करें तो इस दौर में 13 लोकसभा सीट पर मतदान का प्रतिशत 68.03% रहा। झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर 64.73% मतदान हुआ। और चौथे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीट पर 59.02% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में 17 लोकसभा सीट पर 56.20% मतदान दर्ज किया। और इसके साथ ही महाराष्ट्र में मतदान का काम संपूर्ण हुआ। और ओडिशा में भी 41 विधानसभा सीटों और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान संपन्न हुआ। छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। Foremost, I would like to thank millions of voters who braved this scorching heat in order to come out and cast their vote. It's quite encouraging to see a large number of women, senior citizens and persons with disabilities queued at the polling stations to exercise their franchising. My gratitude to all polling officials, starting from booth level officers to the AROs, ROs, DEOs and chief electoral officers and all state nodal officers. The lakhs of the security personnel from CPF, police force and other para police organizations, they are deployed at the polling station to enable a free and fair election. We must all realize that the conducting elections on such a gigantic scale is an exercise that tests one's endurance in every way which possible. वहीं पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण के मतदान के दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़पों के बीच कुल 1,34,00,000 में से 81% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आसनसोल लोकसभा सीट के जेमुआ में एक मतदान केंद्र के बाहर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। ये झड़प हिंसात्मक रूप लेने लगी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भाजपा उम्मीदवार बाबू सुप्रियो ने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। इस बीच बाराबंकी के एक मतदान केंद्र में प्रवेश को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के बाद बाबुल सुप्रियो के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बंगाल के हिंसा की घटनाओं को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कल चुनाव आयोग में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि इस तरह की गुंडागर्दी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अराजक तत्वों द्वारा, गुंडों द्वारा वहां की मशीनरी को, वहां की सरकार को हाईजेक कर लिया गया है और एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है वहां पर, जो मतदाता हैं उनको उनके मताधिकार से रोका जा रहा है। लोकतंत्र में हमारा देश सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र इसलिए है कि हमारे देश के लोगों के मताधिकार को हमारे संविधान ने सुरक्षा दी हुई है। अगर कोई उनके वोट के अधिकार को गुंडागर्दी के माध्यम से, अराजकता के माध्यम से रोकता है, तो वो केवल आदर्श चुनाव आचार संहिता का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये बहुत जघन्य और गंभीर अपराध है।